सोने से पहले कौन सी दुआ पढ़ी जाती है इसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, हम लोगों को सोने से पहले भी दुआ पढ़कर सोना चाहिए और सुबह को जब सोकर उठते हैं तो उसके बाद भी दुआ पढ़नी चाहिए। आज की इस जानकारी के अंदर मैं आप सभी को सोने से पहले की दुआ बताऊंगा और आने वाली वीडियो के अंदर मैं आप सभी को सोकर उठने की दुआ बताऊंगा। सोने से पहले एक छोटी सी दुआ है, उसको पढ़ना चाहिए और फिर उसके बाद सोना चाहिए। दुआ के बारे में जानने के लिए आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर वाले घंटे के बटन को भी जरूर दबा देना ताकि ऐसी नॉलेजेबल जानकारी आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। दोस्तों, सबसे पहले दुआ पढ़ने का तरीका जान लीजिए। जब आप सोने के लिए अपने बिस्तर पर चले जाए और लेट जाए तो उसके बाद आपको इस दुआ को पढ़ना है। दुआ कुछ इस तरह से है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। दुआ को एक बार और सुन लीजिए, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। दोस्तों, यह है रात को सोने की दुआ। सोने से पहले इस दुआ को जरूर पढ़ा करिए, हर एक मुसीबत बला और परेशानी से बचे रहोगे और सुकून की नींद आएगी। उम्मीद करता हूँ आप सभी साथियों से कि आप आज से सोने से पहले इस दुआ को जरूर पढ़ा करोगे। छोटी सी दुआ है, 3 लफ्जों की तो है, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। तो आप इस दुआ को पढ़िए और फायदा उठाइए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज की ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना और इस जानकारी को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में भी शेयर कर देना। मैं फिर मिलता हूँ आप सभी से एक और नए टॉपिक के साथ।